नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्यो रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग फिनेंशियल मार्केट से डील करते हैं। एंड दैट्स वाई आई थिंक कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में बताऊँ जो कि आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर करे, वाट एग्जैक्टली You guys need to prepare for। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ये कंटेंट बना रहा हूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि यू गाइज बेनिफिट फ्रॉम वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर यू ऑल। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई, जो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, जो लोग फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं, उन लोगों को ये जो टॉपिक जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताना चाहता हूं। इकोनॉमिक क्राइसिस जब होता है, तब मार्केट का नियम बदल जाता है, गेम टोटल चेंज हो जाता है, और बहुत पुराने खिलाड़ी बर्बाद होते हैं और बहुत नए खिलाड़ी पैदा भी होता है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और सोचिए कि कैसे अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा सकते हो, कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हो इकोनॉमिक क्राइसिस का जो ये चैलेंज है, इसको फाइट करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एनालाइज करना सीखो कि जो आप पुराने तरीके से कर रहे थे, जो आप एक बहुत ही घिसा पिटा रिवाज के साथ जो चल रहे थे, उसको आप कैसे चेंज करोगे। ये आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तब जो मैन वर्सेस मशीन का जो रिश्ता या नाता है, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपका जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो महत्व है, वो कम होने लगता है, क्योंकि आपका काम हो सकता है कि कोई ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट कर रहा हो या कोई कंप्यूटर आपका काम कर रहा हो, दैट मींस यू आर जस्ट आउट ऑफ वर्क। तो आपको क्या करना है, आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, आपको ये सोचना है कि कोई भी पोटेंशियल क्राइसिस, कोई भी जो खतरा है, उस खतरे के सामने अपने बिजनेस को आप कैसे बरकरार रखो, क्या चेंजेस आप कर सकते हो, ये सब बहुत जरूरी है। एंड मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यू आर नॉट एनी मोर ओपन टू दैट थ्रेट, यू आर नॉट, व्हेन यू थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू टेक द चैलेंज एंड एक्सेप्ट एंड मूव अहेड। क्या लगता है आप लोगों को कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर या कुछ बैंक बैलेंस या कुछ भी सिक्योरिटी आपको बचा सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस से? अगर आप ये सोच रहे हो, तब आप गलत हो, क्योंकि जब घंटी बजती है, तब कोई पेपर का टुकड़ा, कोई बैंक बैलेंस आपको लाइफ लॉन्ग बचा नहीं सकता है। आप ऐसे एक पॉइंट पे आके खड़ा हो जाओगे जहां पे आपको ये लगेगा कि ओ माय गॉड, आई एम लॉस्ट। लेकिन एक उपाय है, वो उपाय है ये कि ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, अपना स्किल्स जो है उसको एनहेंस करो, उसको और बेटर करो, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये स्किल्स जो होते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, दे आर नॉट समथिंग विच एनीबडी कैन स्नैच फ्रॉम यू, नोबडी कैन डू दैट, एंड दिस स्किल्स कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ थ्रेट। आप एकदम एक कबज में ढक जाओगे, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता अगर आपका स्किल्स जो है वो एकदम अप टू डेट है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि वी ऑलवेज शुड ट्राई समथिंग न्यू, हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कब आपके ऊपर कुछ आने वाला है। सिर्फ ये सोचो कि आप एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हो, लेकिन आप अमेरिका में रहते नहीं हो, और अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। आपको क्या लगता है, विल इट अफेक्ट यू और नॉट, व्हाट डू यू थिंक, आर यू टोटली प्रोटेक्टेड 100%? नो, यू आर नॉट। आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू
एंटर न्यू मार्केट्स, आपको नए अपॉर्चुनिटी का तलाश होना चाहिए, आपको नया मार्केट्स के बारे में सोचना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप कर सकते हो। और आज के ज़माने में आप जितना बड़ा सोचते हो, जितना वाइड आपका सोच है, जितना फारसाइटेड आप हो, उतना आपको फ़ायदा हो सकता है। और इंटरनेट के ज़रिए आप एक जगह में बैठ के दुनिया भर में अपने आप को मार्केट कर सकते हो। कहीं पे भी आप हो, यू कैन फाइंड क्लाइंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यू विल सी दैट यू आर सम हाउ मेकिंग योर सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन। यू आर शिफ्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द डेंजर जोन टू प्रोबेबली ए मोर स्टेबल जोन, इफ नॉट द वर्स्ट। तो दोस्तों, आइडियाज़ मार्केट में बहुत आते हैं, बहुत फैंसी आइडियाज़ आपको मिलते हैं। कभी चांद पे कुछ ज़मीन खरीद लो या मार्स पे खरीद लो। दोस्तों, मेरा ये मानना है, डोंट रन बिहाइंड दोज फैंसी आइडियाज़, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि रिस्क फ्री हो या कम रिस्क हो या बहुत रिलायबल एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि कोई वैल्यूएबल मेटल खरीद लिए, जैसे सोना हो गया या प्लैटिनम हो गया, कुछ भी आप ले लिए, या तो बेस्ट करेंसीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत कुछ चल रहा है दुनिया भर में, ये सब में आप लोग कर सकते हो इन्वेस्ट। इससे क्या होगा कि आप एक सर्टन काइंड ऑफ कंफर्ट जोन में रहोगे कि यस, आई हैव इन्वेस्टेड देयर एंड आई फील आई एम सेफ एंड माई इन्वेस्टमेंट इज सेफ। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है, ना कि कोई फैंसी आइडिया के पीछे भाग गए, पता नहीं 10 साल बाद क्या होगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो मार्केट का जो फ्लक्चुएशंस होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो ऊंच नीच होता है, इस दौरान बहुत कोई डूब जाते हैं और बहुत कोई अरबों खरबों पैसा कमा लेते हैं। ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस है, इसको अगर हम लोग पकड़ सके, वी कैन रियली मेक इट बिग डिफरेंस। आई एम सो श्योर अबाउट इट, वी रियली कैन। लेकिन इसी फ्लक्चुएशंस को पकड़ने के लिए हम लोग कुछ लॉज का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर सर्टन लॉज विच वी यूज टू कैच होल्ड ऑफ दोज फ्लक्चुएशंस एंड दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटजीज। इसको हम लोग ट्रेडिंग के जगत में स्ट्रेटजीज बोलते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजी को बहुत बढ़िया से सीख सकते हो, देन मैन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी और कोई भी मार्केट फ्लक्चुएशंस आपको छू भी नहीं सकता, बिकॉज आप स्ट्रेटजी को सीखे हो। यू नो द लॉज and you know what and how and when to act। तो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था। जाने से पहले आप लोगों को ये याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो भी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा। यू गाइज विल नो समथिंग बेटर एवरी टाइम। सो इफ यू आर ऑलरेडी ए सब्सक्राइबर एंड यू हैव hit the bell icon, you will be the first one to be notified with। फिलहाल के लिए इतना ही। आज्ञा चाहता हूँ, have a good day and enjoy your life। Bye bye।